करोड़ों के मालिक रहे विनोद कांबली की बदल गई जिंदगी। बोले मुझे काम चाहिए। चला रहे हैं टूटा हुआ फोन। कहा सचिन को सब कुछ मालूम है। जो कांबली एक दौर में टीम इंडिया की शान थे, आज परिवार चलाने के लिए नौकरी मांगने को मजबूर है। पहचान कीजिए, ये वही खिलाड़ी है जो अपने शुरुआती 7 मैचों में ही 793 रन बनाकर तहलका मचा चुका है। 1993 का वो दौर जब कांबली के विध्वंसक बल्लेबाजी से विरोधी कांप जाया करते थे। अब भारतीय क्रिकेट टीम का वही स्टार प्लेयर बेरोजगारी से परेशान है। इतना परेशान कि अपना परिवार चलाने के लिए मैदान पर कैसा भी काम करने को तैयार है। विनोद कांबली के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये फोटो देखिए, सफेद दाढ़ी और सिर पर हैट पहने कांबली कितने दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं। गले की गोल्ड चैन जो हमेशा उनकी पहचान हुआ करती थी, वो भी गायब है। मोबाइल ऐसा चला रहे हैं जिसकी स्क्रीन टूटी हुई है। विनोद कांबली ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर की कहानी एक न्यूज पोर्टल को सुनाई है। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। सचिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गए, उन्हें क्रिकेट के भगवान कहा जाने लगा, और विनोद कांबली अर्श से फर्श पर आ गए और गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। इस वक्त कांबली का हाल ऐसा है कि बीसीसीआई से मिलने वाली 30,000 रुपए की पेंशन पर ही उनकी जिंदगी चल रही है। मुंबई जैसे शहर में 30,000 रुपए में कांबली जिंदगी बिता रहे हैं। कांबली ने कहा है, मुझे काम की तलाश है, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, मैं सिर्फ बीसीसीआई की पेंशन पर निर्भर हूँ। मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पास भी काम के लिए गया था, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे कोई काम मिल जाएगा। विनोद कांबली ने यह भी बताया कि उनके दोस्त सचिन को भी उनकी हालत के बारे में पता है, लेकिन वो उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सचिन ने उनकी काफी मदद की है। अब सवाल यह है, कभी करोड़ों के मालिक रहे विनोद कांबली का ये हाल कैसे हुआ? कांबली ने साल 2019 में आखिरी बार किसी टीम की कोचिंग की थी, तब वो T20 मुंबई लीग से जुड़े थे। तब वो क्रिकेट मैचों में कमेंट्री क्या करते और विज्ञापनों में काम करने के साथ साथ अच्छी कमाई कर लेते थे। लेकिन इसके बाद साल 2020 में कोरोना वायरस ने दस्तक दी और कांबली की जिंदगी की रफ्तार थम गई। इस वक्त हाल ऐसा है कि वो एक एक पैसे के लिए ताज है और घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। विनोद कांबली ने भारत के लिए कुल 104 वनडे मैच जबकि 17 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 3,561 रन बनाए हैं। इनमें 4 शतक टेस्ट में लगाए और 2 शतक वनडे में लगाए थे। विनोद कांबली ने भारत के लिए 1991 में वनडे डेब्यू किया था, जबकि साल 2000 में उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। अब जब विनोद कांबली की बेबसी की कहानी दुनिया के सामने आ गई है, तो विनोद कांबली को उम्मीद है कि उन्हें काम मिलेगा और उनकी मुसीबतें कम होंगी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।